दो रकात। हम जहां जाते हैं पूछते हैं पहले चार्जर है। हमारा हाल चार्जर हो गया तो पूछते हैं वाईफाई है, वाईफाई भी नहीं। अरे यार यहां जियो काम नहीं कर रहा, अबे तू अपना दे दे थोड़ा सा यार, कनेक्ट कर लूं। हम जन्नत है, ये जन्नती बैठे बेचारे, देखिए मरते ही जन्नत और फिरदौस में जाएंगे सीधे। अभी मौलवी जर्जीस 3:35 बजे अपनी तकरीर खत्म करेगा, ये घर जाएंगे जन्नत, जनरेटर चालू, मौज़िन आजान देगा सलातु खैरुम मिनन नौम, घोड़ा बेच के सो रहे होंगे जन्नती, सब जन्नती बैठे माशाल्लाह, टोपी लगी हुई है। जन्नती होने की पहचान देखो, लंबी दाढ़ी भी है, टीके भी है नमाज के, और मस्जिद सुबह की खाली, ये जन्नती है, जन्नती है। हम लोगों ने ये समझ रखा है मदरसे में मस्जिद में 10 रुपए दे दो और यहां जो बेचारा मौलवी है चंदा कराने वाला, अल्लाह ताला इसके बाप को जन्नत दे, अब जन्नत मिल गई। 100 रुपए दिए, यहां नारा नोट के साइज के हिसाब से लगता है, 10 रुपए दिए अल्लाह ताला, इसने अपनी मां के लिए 10 रुपए दिए अल्लाह इसकी मां को जन्नत दे, 50 रुपए दिए अल्लाह इसके बड़े भाई को जन्नत दे, 100 रुपए दिए अल्लाह ताला इसकी बहन कैंसर में मुब्तिला है अल्लाह ताला उसको शिफा दे, और जैसे ही 1000 रुपए आए या 2000 का नोट, नारे तकबीर, और उसके बाद फिर लंबी चौड़ी दुआ। और हाल क्या होता है मालूम है, हम ये देखते हैं कि मेरा मुखालिफ विरोधी कितना पैसा दे रहा है जलसों में। आजकल ये नौइयत हो गई है, मेरा मुखालिफ 100 दे रहा है और उसके लिए ऐलान हुआ उसने 100 रुपए दिए, हम झट से 200 देते हैं। मकसद सवाब का नहीं होता है, मकसद उसको जलाना होता है, तूने 100 दिए देख हम 200 देंगे। हमारे यहाँ यही सूरत हाल है, कुर्बानी का बकरा लोग खरीदते नहीं है जल्दी, जब देखते हैं कि मेरे मुखालिफ ने 10,000 का खरीदा तो कुर्बानी से 2 दिन पहले वो 15,000 का लेके उससे मोटा ताजा लेके आते हैं ताकि पता चले कि वो 10,000 का तो मेरा 15,000। हर चीज में रिया नमूद, हर चीज में दिखावा, हर चीज में। मेरे भाई तुम्हें दुआ कराने की कोई जरूरत नहीं है, 100 का नोट लाइए चुपके से, पता भी नहीं चलना चाहिए कि किसने कितना दिया, चुपके से दिल में नियत कर लो अल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मैं ये 100 रुपए मदरसे के लिए दे रहा हूं, मदरसे को, इसका सवाब मेरे बाप को पहुंचे। काबे के रब की कसम, मौलवी जर्जीस दुआ करे ना करे, तेरे दिल की नियत पर तुझे सवाब मिल गया। मत नुमाइश करो इस दीन को, सबसे ज्यादा रिया और नमूद और दिखावे ने बर्बाद किया है, दिखावे ने बर्बाद किया है, रिया और नमूद ने बर्बाद किया है। आज हमारे मदरसों से आज अल्लामा बन के लोग पैदा नहीं हो रहे हैं, मदरसों से जो मौलवी भी बन के निकल रहे हैं, एक छोटा सा मदरसा खोल लिया, 5 बच्चे मोहल्ले के रख दिए, पूरे हिंदुस्तान में रसीद छपा कर चंदा कर रहे हैं आप। कितने मौलवियों को मैंने पकड़ा है, मैंने जाली मदरसा होने की वजह से बिहार के नाम पे साफ चंदा कर रहे हैं। बिहार का मदरसे हमसे छुपे हुए हैं, हमसे ज्यादा कोई जानता होगा, जितना मैं जानता हूं आपको भी उतना यूं नहीं होगा। बिहार के चप्पे चप्पे में मैं गया हूं, चंदा करते हुए पकड़ा, झूठे मदरसे के मौलवियों को पकड़ा जिनका एक बच्चा नहीं, एक भी मदरसा नहीं, उनको मैंने पकड़ा। लेकिन इस्लाम बदनाम ना हो, मुसलमान बदनाम ना हो, इसलिए चुपके से समझा जाकर उनको वापस कर दिया और रवाना कर दिया कि मौलवियों का अदब और एहतराम लोगों के दिल से ना उतर जाए। मेरे भाइयों, रिया नमूद से बचिए और बचाइए, अपने इदारों के अंदर खुलूस पैदा कीजिए। आसनाउल्लाह अमरसरी जैसे लोग क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं, आज अलीमिया नदवी जैसी शख्सियतें क्यों नहीं पैदा हो रही हैं, आज इब्ने कय्यम और इब्ने तैमिया जैसे लोग क्यों नहीं निकल रहे हैं, आज अल्लामा शिबली जैसे लोग क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इखलास नहीं रहा है, इखलास निकल गया है। सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह ट्रेन का सफर कर रहे हैं,
नई नई ट्रेनें चली थी उनके जमाने में, कोयले से चलने वाली ट्रेन चली थी उनके जमाने में। एक सरदार के पास बैठे थे, चप्पल टूट गई थी, उनका जूता टूट गया, फट गया वो जूता, उन्होंने फटा हुआ जूता उन्होंने फेंक दिया और एक जूते से चल रहे थे, एक जूते से। उस जमाने में एक जूते के जोड़ी मिल जाती थी, यानी एक जूता आपका है उसके साइज का दूसरा जूता उसी तरीके का खरीद लो, चार आने में आठ आने में इस तरीके से मिल जाता था। दोनों नए जूते खरीदने की जरूरत नहीं थी, आपका जिस साइज का जूता है वो मिल जाता था, चाहे पुराना ही सही लेकिन मिल जाता था। सनाउल्लाह साहब ने दूसरा जूता देखा जो सही था, उसको भी उठाया और फेंक दिया, फेंक दिया। एक सरदार सिख ट्रेन में बैठा हुआ था स्टेशन पे, जब उसने देखा कि सनाउल्लाह ने दूसरा जूता जो फटा था वो तो टूट गया, वो फेंक दिया, सही सलामत जूता भी फेंक दिया, तो कहने लगा बेटा ये उठा लो, चार आने में इसकी दूसरी जोड़ी मिल जाएगी तुम्हें, दूसरी जूती मिल जाएगी। सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस सरदार की बात को मैंने अपनी अकल में बिठाया और मैंने अपना वो सही सलामत जूता उठा लिया। सनाउल्लाह अमरसरी की ज़बान हयात पढ़ी है, उनकी ज़बान हयात में लिखा है फिर छः महीने गुजर गए, चार आने नहीं आ पाए उनके पास कि उस जूते के बदले में दूसरा जूता भी ले लें और जोड़ी बनाकर वो चलें। कहते हैं मैं स्कूल जाता था, मदरसे में जाता था, नंगे पैर जाता था, लोग हंसते थे कि तुम नंगे पैर आए हो, मैं ये कह देता था उस लंगड़े आदमी को देखो जिसका एक पैर टूटा हुआ है, अरे कम से कम मेरे दोनों पैर तो सलामत हैं, उस लंगड़े आदमी से तो अल्लाह ताला ने मुझे बेहतर रखा है। फरमाते हैं छह महीने तक मैंने उस जूती के किस साइज की दूसरी जूती खरीदने के लिए चार आने का इंतजाम नहीं हो पाया। इस खुलूस के जमाने में वो पढ़े तो मुनाजरे इस्लाम कहलाए। मेरे प्यारे साथियों, हम कहां हैं, हम हमारी हैसियत क्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो बात थोड़ी सी तलख है, कड़वी है, और मैं जानता हूं कि मेरे कहने से आप मान तो जाओगे नहीं। कल मौलाना जर्जिस का प्रोग्राम लाबा में है, कल फिर तकरीर होगी और उससे चंदे की स्टाइल ही बन चुकी है हमारे यहाँ, और देने वालों का भी मिजाज खराब हो गया। जब तक मौलवी साहब दुआ ना करें हम समझते ही नहीं कि हमारे हक में दुआ हुई, हम समझते ही नहीं कि हमारे बाप को जन्नत मिली, हमारे बाप को माँ को जन्नत मिली, हमारे अंदर तसव्वुर पैदा नहीं होता। मेरे भाइयों, दिल की नीयत ही सब कुछ है, दिल की नीयत। आप नीयत करके चुपके से दे दीजिए, स्टेज पे डाल जाइए, मत ऐलान करवाइए, फिर भी आपको सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों, इखलास पैदा करिए। तो अल्लाह के नबी ने सबको बराबर की नजर से देखा, समन्विता, सबको, कोई बड़ा कोई। हजरत बिलाल से क्या कहा, बिलाल लोगों देखो देखो ये नमाज, वजू बनाते हैं और नमाज पढ़ लेते हैं जब भी वजू टूटता है। वाईफाई, मोबाइल, चार्जर तलाश करने वालों, हजरत बिलाल की जिंदगी से कुछ कुछ सीखो, हजरत बिलाल की जिंदगी से कुछ सीखो। नियतों पर मामलात डिपेंड होते हैं। शायद आपने सुना हो और ना सुना हो तो आपको एक दिलचस्प वाक्य सुनाता हूं। बुखारी शरीफ के अंदर ये वाक्य आया है, जरा सुनिए। एक आदमी रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में कुछ सदका करना चाहता था, दिन में नहीं चाहता था कि मैं सदका करूं, दिन में करूंगा पता चले, वो चाहता था कि दाएं हाथ से दूं और बाएं हाथ को उसकी खबर ना हो, चुपके से मैं दूं। इसके लिए उसने आधी रात का वक्त तलाश किया, मैं चुपके से जाऊंगा और किसी गरीब आदमी को, मजबूर आदमी को रास्ते में देखूंगा, उसकी मदद कर दूंगा। वो रात के अंधेरे में निकला, सुनिए बड़ा दिलचस्प वाक्य है, हंसी भी आएगी आपको। रात के अंदर निकला, नियत क्या थी, किसी गरीब आदमी की मदद करूं। उसने एक आदमी को देखा कहीं बैठा हुआ है, उसने सोचा ये मजबूर आदमी है, ये परेशान आदमी है, ये उसके पास गया और कहने लगा कि भाई अकेले क्यों बैठे हो। उसने कहा बैठा हूं, मेरी मर्जी, तेरे बाप का क्या जा रहा।
नहीं नहीं मैं किसी मजबूर आदमी को ढूंढ रहा हूँ, इसने कहा। मैं किसी मजबूर आदमी को ढूंढ रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई मजबूरी हो तो बताओ। फौरन कह दिया, हमसे ज्यादा मजबूर कोई है? रात के अंदर अकेले बैठा हूं, तुझे मजबूर नहीं दिख रहा? मैं कितना परेशान हूं तुझे मालूम? उसने सोचा बस मैं सही जगह आया। बहुत सा माल था उसके पास, सदके का, अमीर आदमी था। उसने चुपके से थैली उसकी तरफ बढ़ा दी, ले जा, किसी को बोलना नहीं। कठी ये अपने घर आ गया, वो माल लेके फरार हो गया। ये सुबह फजर की नमाज पढ़ता है, और फजर की नमाज पढ़ने के बाद इसकी आदत थी थोड़ा सा बाजार की तरफ टहलने की। होता है बहुत से लोग सुबह सुबह टहलते, ये भी टहलने निकल गया। जब टहलने निकला तो जैसे हम लोगों के चाय वाय की दुकान है, ऐसी उधर खजूर अजूर की दुकानें हुआ करती थी। एक दुकान पर बैठा है, वहां चर्चे हो रहे हैं सुबह हमारी तरफ। 10 बजे लोग उठने वाले नहीं थे उस जमाने में, जल्दी सोते थे, जल्दी उठ जाते थे। अब वहां चर्चे हो रहे हैं उस दुकान पर बैठे हुए। अरे तुमने कुछ सुना? इसी आदमी से कह रहे हैं जिसने सदका किया, तुमने कुछ सुना? कहा नहीं। अरे गजब हो गया। कहा क्यों? कहा अल्लाह का एक नेक बंदा रात की तारीकी में निकला, वो किसी गरीब आदमी को, किसी मजबूर आदमी को सदका और खैरात देना चाहता था। कहा फिर? लेकिन वो गलती से, धोखे से एक अमीर दौलतमंद आदमी को सदका कर गया। जिसको दिया उसने वो तो पहले ही से बहुत बड़ा पैसों वाला दौलतमंद है। ये आदमी तो दिल में चोट लगी, लेकिन कुछ कह नहीं सकता था। सीधे घर आया, घर आते ही कहने लगा, अल्लाह तू मेरी नीयत को जानता है, किसी अमीर आदमी की मदद करना मेरा मकसद नहीं था। नीयत बतला रहा हूं, नीयत, किसी अमीर आदमी को ताबुन करना, उसकी हेल्प करना, ये मेरा मकसद नहीं था। अरे अल्लाह धोखा खा गया, मेरी नीयत तो किसी गरीब आदमी की थी, मदद करूं, लेकिन मैं धोखे से किसी अमीर आदमी को दे गया। खैर कोई बात नहीं, अरे अल्लाह अमीर आदमी की मदद करने पर मुझे गुनाह मत देना, अगरचे मुझसे गलती हो गई, मेरे पास और भी सबके का माल है, और भी खैरात है जो मुझे गरीबों में करना है। आए अल्लाह आज तू मेरी मदद करना, आज मैं रात में फिर निकलूंगा और किसी गरीब आदमी की मदद करूंगा। अब सदके का माल अमीर को तो नहीं दे सकते, गरीबी को दे सकते हैं, तो अब वो अमीर को दे गया। गलती तो हो गई, लेकिन गलती जानबूझ के नहीं की, नीयत यही थी कि हम किसी गरीब आदमी को दें। अब ये समझ रहा है कि मुझसे गलती हो गई, क्योंकि मैंने अमीर को दे दिया, और अमीर को दिया तो सदका कबूल नहीं होगा, तो इसने और सदके का माल निकाला, और सदका खैरात। बुखारी की हदीस, बुखारी की रिवायत, रात में फिर निकला, एक आदमी को फिर देखा बैठा हुआ, देख रहा कल वाला तो नहीं है, कल वाला नहीं है। हाँ ठीक, हाँ भाई क्यों? अब इस आदमी ने इसको देखा, कहता अरे भैया बैठा हूँ, क्या करूँ, मजबूर हूँ। अच्छा मजबूर हो, क्या मजबूरी है? अब कोई जरूरी है सारी मजबूरी बताई जाए तुम्हें? मैं बहुत मजबूर आदमी हूँ। वो अपना छुपाना चाह रहा है कि इसको मेरे बारे में पता ना चल जाए, और ये उसकी मजबूरी जानना चाह रहा है कि हकीकत में मजबूर है कि नहीं। बहरहाल जब उसने अपनी मजबूरी जाहिर की, ये वो परेशानी, तो इसने चुपके से थैली निकाली, कहा ले जा जा। बड़ा खुश था, आज मैंने सही आदमी को सदका दिया। घर आया, तहज्जुद की नमाज पढ़ा, सो गया, फजर में उठा, नमाज पढ़ने गया, फिर टहलने गया, फिर दुकान पे बैठा, चर्चा हो रहा है। दूसरे दिन, ए सुना तुमने कुछ? का नहीं। अरे आज भी एक आदमी मर गया, लूट गया। का क्या हुआ? का अरे वो रात में निकला, अल्लाह का नेक बंदा था बेचारा, किसी गरीब आदमी की मदद करना चाहता, आज भी धोखा खा गया। है क्या हुआ? अरे आज उसने किसी चोर की मदद कर दी, वो तो चोर था, वो तो रात में चोरी के इरादे से निकलता था। ये फिर घर आया, कहता अल्लाह क्या हो रहा मेरे साथ, चोर की भी मदद करना जायज नहीं, सबका खैरात चोर को भी देना जायज नहीं, मैं आज फिर गलती कर गया। अरे अल्लाह मैं क्या करूं, मेरी नीयत नहीं है चोर को देने की, मेरी नीयत नहीं है किसी अमीर को देने की, लेकिन पहले दिन धोखा खा गया, अमीर को दे गया, दूसरे दिन चोर के हाथ में चला गया। अरे अल्लाह थोड़ा बहुत माल और बचा है, सदका का है, खैरात का है, और मैंने नीयत की इसको भी गरीबों में दूंगा। आय अल्लाह
रात की तारीकी में मैं फिर निकलूंगा ताकि किसी को पता ना चले, लेकिन आज तू मेरी मदद फरमाना है अल्लाह, मैं तेरी मदद का तलबगार हूं, तू मेरी मदद फरमाना। आधी रात गुजर गई, फिर निकला, तलाश कर रहा है, इसको एक औरत मिली। इसने सोचा हो ना हो इतनी रात में जो औरत निकलेगी वाकई मजबूर होगी। इसने पूछा है, उसने कहा शर्म नहीं आती मर्द होकर अकेले में एक औरत को देखकर आवाज दे रहे हो? कहा नहीं मैं आवाज नहीं दे रहा हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि किसी औरत को अकेले नहीं निकलना चाहिए, या तो उसका शौहर हो या उसका भाई, तुम अकेले कैसे निकली हो, क्या बात है? उसने कहा मेरा शौहर मर गया, मेरे बाप नहीं है, मां मुझे अपने घर में रहने नहीं देती, कसीर लोयाल हूं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं भीख मांग कर गुजारा करती हूं, मेरे बच्चों की भूख ने मुझे निढाल कर दिया है, मजबूर कर दिया है, इसलिए मैं रात की तारीख में निकली कि अपने बच्चों का पेट पाल सकूं और कोई अल्लाह का बंदा मेरी कुछ मदद कर दे। ये तो सही है भाई, दो दिन से धोखा खा रहा हूं, आज थोड़ा खा जाऊं, लेकिन औरत को बार बार देख भी नहीं सकता, शरीयत उसकी भी इजाजत नहीं देती। इसकी मजबूरी सुनी, इसने सदके की वो थैली उठाई और उसको दे दी, सदके का सारा माल खत्म इसके पास, अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा। घर आया, फजर पढ़ने गया, फिर गया बाहर निकला, बाजार में फिर चर्चे हो रहे हैं, एक सुना नहीं? अरे आज भी अल्लाह का नेक बंदा धोखा